सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप QGIS इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि आपको QGIS के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, यानी वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे QGIS सर्वर 3.28 प्लग इन अपडेट जो करंट में चल रहा है, उसके बाद QGIS कॉन्ट्रीब्यूटर मीटिंग्स। सो मल्टीपल ऑप्शंस हियर। तो हमको सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। डिपेंड ऑन द लैंग्वेज, आपकी जो भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज, यहाँ जाकर आप चेंज करा सकते हो वट एवर योर रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद क्या करना है, क्या नेक्स्ट प्रोसेस में जो होता है, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको बस क्लिक कर देना है डाउनलोड बटन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप मैक यूज़र हो और या लिनक्स यूज़र हो या फिर BSD यूज़र हो, तो डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन सेलेक्ट दैट। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड फॉर द विंडोज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बाय डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही ये डाउनलोड होता है। तो राइट नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि QGIS का जो टोटल साइज है 1.1 GB। सो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है और उसके ऊपर उतना टाइम वो कंज्यूम करेगा फॉर द डाउनलोडिंग। जैसे ये सेटअप है QGIS का, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। उसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसेस फॉलो करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखोगे तो इंस्टॉलेशन QGIS 3.32.2 लीमा वर्जन जो है तो उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। अगर आपको कोई फीचर्स लाइब्रेरी प्रीवियस चाहिए तो आप ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ पर आपको प्रीवियस डाउनलोडिंग ऑप्शंस मिलेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद स्पेसिफिक वर्जन आप यूज़ कर सकते हो एज़ पार्ट ऑफ द योर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्या हर बार आपको नया प्रोजेक्ट नया अपग्रेडेशन चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट प्रीवियस यानी किसी और अपग्रेडेशन के अंदर प्रीवियस अपग्रेडेशन में कंप्लीट किया गया तो आप उसके साथ भी आप जा सकते हो, नो इशू। QGIS इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और हम इसे करेंगे अभी ओपन। तो अभी ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार आपने यहाँ से इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया कि इस तरह इसका एनवायरनमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तो प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करना है और उसे यूज किस तरह करना है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो चलो अभी रुकते हैं, थैंक यू।